बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर महिला थाने में बुधवार को घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। कांस्टेबल पर यौन शोषण का आरोप लगाकर शादी की जिद पर अड़ी लड़की ने थाने में ऐसा हंगामा किया कि थाने के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। महिला थाना अध्यक्ष पुष्पा सिंह लड़की को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन प्यार में धोखे से नाराज लड़की शांत होने को तैयार नहीं थी। लड़की जिद पर अड़ी हुई थी कि आरोपी कांस्टेबल उससे शादी करे। उसका कहना था कि शादी करो, मैं FIR नहीं करूंगी। दरअसल पूरा मामला फेसबुकिया प्यार का है। पटना की रहने वाली 11वीं की छात्रा और आरोपित कांस्टेबल की फेसबुक पर बातचीत शुरू हुई थी। लड़की का आरोप है कि आरोपित ने उसे शादी का झांसा देकर एक साल तक उसका यौन शोषण किया, लेकिन जब शादी की बात आई तो वो मुकर गया। मतलब साल भर से मतलब शारीरिक संबंध में है और हम चाह रहे इसे शादी करने के लिए। उसके बाद मुलाकात, पहले मुलाकात हुआ था पटना इको पार्क में। उसके बाद ये बोले तुम्हारे फेसबुक की आईडी क्या है, मैंने बताया, फिर उसको मैसेज किया। ये कहाँ लेके तुमको रखे हुए थे, कितना दिन? हाजीपुर पुलिस लाइन के बगल में रखा, 15 दिन साथ में। और उस विषय में क्या पति पत्नी जैसे? हाँ, शारीरिक संबंध है। क्या काम करती हो तुम, पढ़ाई करती? हाँ, पढ़ाई करती। कौन से क्लास में? 11 क्लास में। तो तुम्हारा उम्र कितना होगा? मतलब 18 हो गया है। कहाँ पे रहने वाली हो? सासाराम के। तो अब क्या चाह रही हो, यहाँ थाने पे क्यों आई थी, किस बात? शादी करने के लिए। क्या कुछ फैसला हुआ? हाँ, शादी करनी है। क्या कुछ निष्कर्ष निकला है यहाँ? हाँ, वही शादी हुआ, शादी करनी है। तो ये तुम आवेदन क्यों नहीं दे रही हो थाने पे? नहीं, हमको FIR नहीं करना, हमको शादी करनी है। ऐसे में बुधवार को वो हाजीपुर महिला थाने पहुंची और कांस्टेबल की शिकायत कर दी। मामला गंभीर देखते हुए महिला SHO ने आरोपित कांस्टेबल को तलब किया। बुलावे पर वह थाने पहुंचा। उसके बाद जो ड्रामा शुरू हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लड़की शादी की जिद पर अड़ गई। कई बार FIR करने के लिए कहने के बावजूद लड़की FIR करने को तैयार नहीं हुई। उसकी यही जिद थी कि कांस्टेबल उससे शादी करे क्योंकि उसने एक साल तक उसका यौन शोषण किया है। किसी भी तरह से ये आवेदन देने को तैयार नहीं हो रही है। कह रही है नहीं, मुझे लड़का से बात करनी है, मैं उसके साथ जाऊंगी, लेकिन वो आवेदन नहीं दे रही है। किसी भी परिस्थिति में वो आवेदन नहीं दे रही है। मैंने जब पूछा उनसे तो फेसबुक के माध्यम से उनका संपर्क हुआ। लड़की तात्कालिक अपने भाई के साथ पटना में रह रही है, तो फेसबुक के माध्यम से लोगों का संपर्क हुआ। लड़का क्या है और कहाँ पे पहुंचा? लड़का है, ये यहाँ पे पोस्टेड है, पुलिस लाइन में ही है। इस पूरे मामले में आरोपित कांस्टेबल ने कहा कि फेसबुक पर लड़की से मुलाकात हुई थी, एक साल से बातचीत हो रही थी, हम सिर्फ बात करते थे, हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं था। कहाँ मुलाकात हुई थी? फेसबुक से। अच्छा, कितने दिन से जानते हैं? करीब एक साल से। तो क्या रिलेशन वगैरह भी था, किस तरह का रिलेशन था? कहाँ पुलिस लाइन में इनके साथ रहते थे क्या? ना, चलिए हम कहाँ रहते थे, कहाँ पर रहते थे? ये मतलब पटना में रहती है। अच्छा, तो इनके साथ किस तरह का रिलेशन था आपका? सिर्फ ऐसे ही, मतलब जो बात उत करते हैं ऐसे ही रिलेशन। शादी करेंगे मतलब पूरा फैमिली इसका आना पड़ेगा ना, मौसा जो है, मामू से जिसको बात किए हैं वो भी आना पड़ेगा, पापा भाई सब आएगा तो शादी करेंगे, टोटल फैमिली आएगा तब शादी करेंगे। इनसे शादी करने में आपको कोई एतराज है कि नहीं? कोई एतराज नहीं, फैमिली पूरा आएगा तब कोई एतराज नहीं है। देर रात तक हंगामे के बाद बड़ी मुश्किल से लड़की के परिजनों का पता लगाया और उन्हें थाने बुलाया गया। थाने बुलाने के बाद उन्होंने लड़की को परिजनों को सौंप दिया। वहीं आरोपित पुलिसकर्मी को लिखित शर्तनामा बनवाकर पुलिस लाइन भेज दिया। ABP News आपको रखे आगे।